वेलकम दोस्तों, फार्माकोलॉजी क्वेश्चन आंसर फॉर नर्सेस पार्ट 4। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। नंबर 1 क्वेश्चन, मैनिटोल डिक्रीजेस द इंट्राकुलर प्रेशर बाय। एक नंबर ऑप्शन है विथड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द विट्रियस, बी इंक्रीजिंग इवियस क्लेरल आउटफ्लो, सी इंक्रीजिंग एक्वस थ्रू क्लेविकुलर मेशवर, डी इनहिबिटिंग द एंजाइम एनहाइड्रेज इन द सिलियरी बॉडी। तो आंसर क्या होगा? जो मैनिटोल हम देते हैं 10 मिनट के अंदर एक्चुअली देना चाहिए मैनिटोल स्पीड, कोई भी अगर पेशेंट जो अगर सीबीए का आता है सेरिब्रो वास्कुलर रेसिडेंट पेशेंट, ओके मैनिटोल हम देते हैं। ओके क्या इसका काम है? वाइट्रोसीमर में जो वाटर रह जाता है उसको क्या निकालेगा इस, ओके मीन जिसके वजह से इंट्राकुलर प्रेशर कम कर देगा। ओके तो आंसर होगा एक नंबर होगा, ओके विथड्रॉइंग द वाटर फ्रॉम द वाइट्रोसीमर। ओके नंबर 2, एट्रोपिन इज मोस्ट सेंसिटिव टू, ए म्यूकस एंड फारेंजियल सीक्रेशन, बी हार्ट, सी प्यूपिल, डी जीआई ट्रैक। तो आंसर क्या होगा? ओके क्या हो सकता है? व्हाट विल बी द आंसर? ओके तो आंसर क्या होगा? 2 का ए होगा, आंसर विल बी द 2, म्यूकस एंड फारेंजियल सीक्रेशन। ओके म्यूटेंट्स एंड फारेंजियल जी, आई मीन दैट मीन एट्रोपिन इज टू मच सेंसिटिव टू दिस वन, म्यूकस सीक्रेशन एंड द फारेंजियल सीक्रेशन। नंबर 3 क्वेश्चन, ऑल आर यूजेस ऑफ एंटामिनी एंटी हिस्टामिनिक एक्सेल, ऑल आर यूजेस ऑफ एंटी हिस्टामिनिक एक्सेल, एक को छोड़ के बाकी इतना सारा है सब क्या है एंटी हिस्टामिनिक का यूज। ओके तो क्या है? चलते हैं, एक नंबर ऑप्शन में है ऑर्टिकारिया, बी ऑप्शन में मोशन सिकनेस और मैंने सीवियर इचिंग होगा ऑर्टिकारिया में, ओके सीवियर में है इसका ऑर्टिकारिया, एलर्जिक रिएक्शन टाइप का हो जाएगा, ज्यादा शरीर में खुजली टाइप का होगा, ओके और थोड़ा बड़ा बड़ा पेचे जैसा हो जाएगा। ओके अनदर द बी मोशन सिकनेस, ओके सी ऑप्शन विल बी द व्हाट, ओके प्रुराइटस, एंड डी 1 विल बी द ग्लूकोमा। तो ये आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर? ओके कौन सा ऑप्शन होगा? ओके क्या होगा? ऑर्टिकारिया तो ऑर्टिकारिया के लिए दिए जाते हैं एंटीहिस्टामिन ड्रग्स, ओके उसके बाद मोशन सिकनेस के लिए भी दिया जाएगा डाइफेनहाइड्रामिन जो है, ओके या सी प्रुराइटस, ओके मीन ग्लूकोमा को छोड़ के, ओके बाकी सब ये एंटीहिस्टामिन ड्रग्स का यूजेस है। तो चलते हैं अभी नंबर 4 क्वेश्चन, एंटीहिस्टामिनिक यूज्ड इन मोशन सिकनेस, ए सेट्रिजिन, बी मेक्लिजिन, सी डाइफेनहाइड्रामिन, डी हेक्सोफेनाडाइन। ओके मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन में बोला था क्या यूज किया जाता है जो मोशन सिकनेस में, डाइफेनहाइड्रामिन दिया जाता है। ओके तो ये राइट आंसर, ओके सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट फ्रॉम बैक टू नंबर 5, एनएसएआईडी आर यूज्ड इन ऑल, एनएसएआईडी में क्या नॉन स्टीरोडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग आर यूज्ड इन ऑल, में नीचे दिया गया है जो सब में यूज होता है, खाली एक को छोड़ के सब में यूज होता है, यूनिट एज एनाल्जेसिक पेन किलर हिसाब से काम करेगा, इन पेप्टिक अल्सर डिजीज, सी रिमेटोइड आर्थराइटिस, डी में है ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो कौन सा आंसर होगा? व्हिच वन विल बी द राइट आंसर? ओके कौन सा होगा ऑप्शन, कौन बोल सकता है? ओके पेप्टिक अल्सर डिजीज में एक्चुअली इसका काम नहीं, एनएसएआईडी है नो फंक्शन द पेप्टिक अल्सर डिजीज। ओके नेक्स्ट कम बैक टू नंबर 6, एन एसिटाइल सिस्टाइन इज एन एंटीडोट फॉर पॉइजनिंग ड्यू टू, ओके मीन किस पॉइजन, कौन सा ऐसा पॉइजनिंग है जिसमें हम एन एसिटाइल सिस्टाइन देते हैं, और नीचे दिया गया जो 4 ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में कौन सा ड्रग है
तो अगर पॉइजन पॉइजन हो जाता है वो, उसका पॉइजनिंग और ज्यादा, किसी ने अगर फॉर एग्जाम्पल पैरासिटामोल ज्यादा खा लिया तो उसको एन सिस्टाइन सिस्टाइन दिया जाएगा, एन एसिटिल सिस्टाइन दिया जाएगा। तो पैरासिटामोल पॉइजनिंग में हम एन एसिटाइल सिस्टाइन देते हैं। तो रिमेम्बर दिस वन इज द करेक्ट आंसर। नंबर सेवन, अर्ली फीचर्स ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग ईच और आर, ए थ्रोबिंग हेडेक, बी रैश, सी रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, डी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, आस्पिरिन पॉइजनिंग का साइन सिम्टम क्या होगा? ओके, अर्ली फीचर्स क्या है, क्या हो सकता है? ओके, क्या होगा? सी होगा, रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर। ओके, रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर। उसके बाद नंबर एट, कॉन्ट्राइंडिकेशन टू आस्पिरिन ऑल आर एक्सेप्ट, एक को चुके बाकी जितना सारा है आस्पिरिन का कॉन्ट्राइंडिकेशन। ए पेप्टिक अल्सर डिजीज, बी ब्लीडिंग टेंडेंसी, सी चिकन पॉक्स, डी रिमेटॉइड आर्थराइटिस। तो क्या होगा? रिमेटॉइड आर्थराइटिस में ये कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं। ओके, बाकी सब चीज ना सारा है कॉन्ट्राइंडिकेशन। ओके, कास्पिन क्योंकि क्या करता है, ब्लीडिंग करेगा। ओके, प्लेटलेट्स कम हो जाएगा, आस्पिरिन अगर देते हैं तो प्लेटलेट्स कम हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया करता है, इसके वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी होगा। ओके, नंबर नाइन, मिसोप्रोस्टोल, ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इज यूजफुल एज, ए ऑप्शन में यूट्राइन रिलैक्सेंट, बी एंटी अल्सर, सी ब्रोंकोडायलेटर, डी वैसोडायलेटर। ओके, ये एंटी अल्सर हिसाब से भी काम करेगा। ओके, नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्पिरिन, मिथाइल सैलिसिलेट, पैरामिनो सैलिसिलेट, पैरामिनो सैलिसिलेट एसिड, ओके, एसिटिल सैलिसिलेट एसिड। तो कौन सा होगा आंसर? ये व्हाट विल बी द आंसर? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ये दिस वन इज द राइट आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो मिलता रहेगा आपको क्वेश्चन को याद रखने के लिए, आंसर को भी याद रखने के लिए, क्योंकि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है।